वो लुटी लुटी मसाजिद, वो तबाह खानकाहें, शब रोज तक रही हैं मेरे गाजियों की राहें। जहां गर्दनें कटी हैं, जहां असमतें लुटी हैं, किसी मीर कारवां को वो पुकारती हैं राहें। सरे कुफ्र तोड़ना है मुझे ऐ खुदा अता कर, किसी गजनवी के बाजू, किसी गजनवी की बाहें। इस्लाम के इब्तदाई दिनों खिलाफत राशिदा की बात है कि एक ईरानी बादशाह यजदगर्द मुसलमानों से शिकस्त खाकर तुर्कमानिस्तान चला आया। ये तुर्कों का इलाका था। यहाँ रहते हुए और तुर्क नस्लों से शादी करते हुए यजदगर्द की औलाद तुर्क ही हो गई। 1000 साल पहले इसी खानदान का एक नौजवान गुलाम बना लिया गया। इस गुलाम को इस इलाके की ताकतवर तरीन सल्तनत के एक गवर्नर अलप्तगीन ने खरीद लिया। इस गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। वही सुबुक्तगीन जिसके बेटे को हम और आप सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। ये तुर्क नस्ल का अदना गुलाम और इसका बेटा तारीख के नाकाबिले फरामोश किरदार कैसे बन गए, इस वीडियो में आपको बताएंगे। सुबुक्तगीन अपनी जमा मर्दी और बहादुरी की वजह से बहुत तेजी से अपने मालिक अलप्तगीन के करीब होता चला गया। अलप्तगीन सामानी सल्तनत का गवर्नर था। सामानी सल्तनत आज से तकरीबन 1200 साल पहले कायम हो चुकी थी और अपने उरूज के दौर में अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान के कई इलाके इस सल्तनत का हिस्सा थे। लेकिन जिस दौर की तारीख हम डिस्कस करने लगे हैं, तब सामानी सल्तनत बिखर रही थी। अलप्तगीन की भी सामानी हुक्मरानों से कुछ अनबन हो गई। इसी वजह से अलप्तगीन ने बगावत करके अफगानिस्तान में गजनी के इलाके पर हुकूमत कायम कर ली और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अलप्तगीन की इस कामयाबी का फ़ायदा पहुंचा उसके ग़ुलाम सुबुक्तगीन को। हुआ यूं कि अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन की बहादुरी देखकर उसे तरक्की देकर जनरल बना दिया और उसे सल्तनत के बाहर दूसरे इलाके फतह करने का काम सौंप दिया गया। सुबुक्तगीन ने कई मर्तबा मुल्तान और लुगमान के इलाकों पर हमले किए। ये इलाके हिंदू राजा जयपाल की सल्तनत का हिस्सा थे। सुबुक्तगीन ने इन इलाकों से हजारों बाशिंदों को गुलाम बनाकर गजनी भी भेजा था। जब अलप्तगीन का इंतकाल हुआ तो उसके 2 ही बरस के बाद उसका बेटा और जानशीन भी इंतकाल कर गया। अब गजनी में एक अफरा तफरी का आलम था और इसे चलाने के लिए एक काबिल हुक्मरान की ज़रूरत थी। चुनांचे फौज और दरबारियों ने बाहिमी मशावरत से सुबुक्तगीन को गजनी के तख्त पर बिठा दिया। जब सुबुक्तगीन तख्त पर बैठा तो इसका बड़ा बेटा मोइनुद्दौला अबुल कासिम महमूद सिर्फ 6 बरस का था। इसी बच्चे को तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। सुबुक्तगीन ने छोटी सी गजनी सल्तनत को सामानी सल्तनत के मातहत कर दिया और खुद गजनी में सामानियों का गवर्नर बन गया। उसकी सारी तवज्जो अपने बेटे को जंगी और सियासी तरबियत देने में लगी हुई थी। शायद वो अपने बेटे को मुस्तकबिल का सुल्तान बनाने के लिए तैयार कर रहा था। यही वजह है कि अपने बाप के 20 साल दौरे हुकूमत में गजनवी मंझ गया था। वो मुनासिब कद का एक ताकतवर नौजवान नजर आता था। किताबों के मुताबिक वो इतना ताकतवर था कि जो गर्ज और नेजा वो इस्तेमाल करता था उसे दूसरे लोग मुश्किल से ही उठा पाते थे। वो अपने बाप के शाना बशाना हर मुहाजे जंग पर जाने लगा। उसकी जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान हिंदुस्तान के राजा जयपाल के साथ जंग में हुआ।
सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल की सल्तनत पर हमला कर दिया। जयपाल भी मुकाबले के लिए निकला और लुगमान के इलाके में दोनों लश्करों के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। इस जंग में महमूद गजनवी बड़ी जांफिशानी से लड़ा। जयपाल का लश्कर भी डटकर मुकाबला करता रहा, लेकिन जयपाल के लश्कर के साथ एक मसला था, वो ये कि इसके ज़्यादातर सिपाही पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादा सर्दी के आदि नहीं थे। लिहाजा इस कमज़ोरी को एक अजीब तरीके से इस्तेमाल किया गया। पुरानी किताबों में एक किस्सा लिखा है कि महमूद गजनवी को लोगों ने बताया कि जयपाल के लश्कर के करीब जो पानी का चश्मा है उसमें गंदगी डाल दी जाए तो सख्त सर्दी पड़ेगी और पंजाबी फ़ौज जो सख्त सर्दी की आदि हरगिज़ नहीं वो ठिठर ठिठर कर रह जाएगी और मुकाबला नहीं कर पाएगी। चुनांचे महमूद गजनवी के हुक्म पर सिपाहियों ने इस चश्मे में गंदगी डालना शुरू कर दी। अब इसे महज इत्तफाक कहें या कुछ और, इसके कुछ देर बाद आसमान पर बादल छा गए। पहले बारिश हुई और फिर आसमान से बर्फ़ गिरने लगी। इतनी शदीद बर्फ़बारी हुई कि जयपाल के कैंप में मवेशी मरने लगे, सर्दी से सिपाही भी बीमार होने लगे। ये जयपाल के लिए तबाही थी। चुनांचे जयपाल ने सुबुक्तगीन से दरख्वास्त की कि वो राजा से 10 लाख दिरहम और 50 हाथी लेकर सुलह कर ले। सुबुक्तगीन तो फौरी तौर पर तैयार हो गया, मगर महमूद गजनवी ने सुलह की मुखालफत कर दी। बेटे की मुखालफत देखकर सुबुक्तगीन भी सोच में पड़ गया। अभी वो कोई फैसला ना कर पाया था कि राजा का एक एलची उसके पास पहुंचा। एलची ने सुबुक्तगीन को खबरदार किया कि अगर इसने राजपूतों यानी राजा से सुलह ना की तो दोनों तरफ तबाही फैल जाएगी। इसकी वजह उसे ये बताई गई कि राजपूतों की एक रस्म है कि वो ऐसे हालात में अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके अपने घरों को जलाकर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं और ख़ुद को इंतकाम के सख्त तूफ़ान में गर्क कर देते हैं। एलची की यह बात सुनकर सुबुक्तगीन सुलह के लिए राज़ी हो गया, मगर जयपाल के जहन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जयपाल सुबुक्तगीन के कुछ अफसरों को साथ लेकर लाहौर चला गया कि उन्हें तावान की रकम 10 लाख दिरहम अदा कर सके। सुबुक्तगीन के जहन में क्या खिचड़ी पक रही थी और तावान की रकम का क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि जयपाल ने तावान की रकम का क्या किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।